कि वो भी कह रहे हैं कि ठीक है तुमको जो अपना करना है अपना करो, हमने जितना करना था उतना कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, सब कुछ कर दिया। तो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, फतेहपुर में आता है वो। तो एक हमारे स्टूडेंट है आशीष कुमार करके, अच्छा मैं उनकी भी स्टोरी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आशीष कुमार भी बहुत पढ़ाई किए, इतना पढ़े लिखे, इतना सब कुछ किए, इतना तैयारी किए, तैयारी करने के बाद समझ लो उस पर्सन को रोजगार नहीं मिला, वो लड़का परेशान हो गया, पढ़ने लिखने के बाद परेशान हो गया। तो वो मेरे पास आया, कहता सर जी हमको काम कहीं नहीं मिल रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ काम सीख के अपना काम डालूं। उनके छोटे भाई थे, फादर थे, गवर्नमेंट सर्वेंट, सब सारी सुविधा, लेकिन उनको खुद को काम नहीं मिला। समझ लो जब मेरे पास आए थे तो रोने लगे थे, उन्होंने समझ लो इनको पढ़ाया है। तो आज वो सीखने के बाद इनको सलाह दिया कि एक काम करो कि तुम कहीं मत जाओ, तुम सर के पास जाओ और सर तुम्हारी जो भी हो सकता है, जैसे मुझे सिखाया है, मुझे कुछ जो मैं 4,000-5,000 में कोई आदमी पढ़ाता है तो उससे घर नहीं चलता, बड़ा हो जाता है, फैमिली हो जाती है, तो उससे घर नहीं, परिवार नहीं चलता 4-5 हज़ार से। तो उन्होंने इनको बताया कि जब तुम इतना पढ़ लिख गए तो तुम सर के पास जाओ तो सर आपकी जरूर मदद करेंगे। मैंने इनकी एक मदद करी, ये मेरी तरफ से हेल्प है कि मैंने इनका टोटल जो फीस है यहाँ पर, पहली बार तो रहने का मेरी तरफ से इनके लिए निःशुल्क रहेगा, और जितना भी हमारा जो ट्यूशन फीस है ट्यूशन फीस में से मैं आधा फीस इनसे नहीं लूंगा, मैं सीधे आधा पैसा नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? अगर देखिए सबसे पहली बात है, अगर मैं नहीं लूंगा तो इनको शिक्षा हासिल नहीं हो सकती, पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है कि अगर ये देंगे तो शिक्षा इनको हासिल होगी तो मैं, मेरे लिए कोई थोड़ा सा पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी मायने ये रखता है कि ये सीख करके अच्छे से खड़े हो जाए। तो मैंने इनके लिए सीधे आधा पैसा माफ किया हुआ है ताकि ये सीख करके खड़े हो सके, और जब ये सीख करके काम लेके बन जाएंगे तो उस लड़के ने खुद ही बोला कि मैं दुकान खोलूंगा तो तुम मेरी दुकान में आ जाना काम करना, या इनको भी कई लोगों ने बोला कि तुम अगर काम सीखे होते तो मैं अपनी दुकान में रख लेता, तुम दिन भर रिपेयरिंग करते तो जो पैसा होता 5,000, 400, 300 का जो भी रिपेयरिंग होता उसमें आधा तुम रखते, आधा मुझको मिलता। तो सर ने मुझे बोला कि सर मेरा अगर आप मदद कर देंगे तो मैं आगे कुछ कर भी सकता हूँ और अच्छी तरीके से काम कर पाऊंगा। जैसे ये मेरे पास सीखने के लिए इतना दूर से फतेहपुर से आज ऐसी पोजीशन में सीखने के लिए, आज समझ लीजिए पूरा दिन उन्होंने खाना नहीं खाया है। इसलिए खाना नहीं खाया है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, सिर्फ नमक पानी, नमक लाए थे, नमक पानी किए हैं ताकि आदमी हम अपने शरीर को सर्वाइव कर पाएंगे, और पूरा दिन होकर के फिर घर जाएंगे, सिर्फ घर ही खाना खाएंगे, जाकर बाहर खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, पास है सब चीज, पूरा मर्ज मैनेज करते हुए यहाँ तक आए। तो इसको कहते हैं जिंदगी की परेशानी। जिंदगी एक आदमी को ऐसे मोड़ पर ला जाकर खड़ा कर देती है कि आदमी करे ना करे क्या कर सकता है, क्योंकि आदमी ऊपर वाले के हाथ में सब चीजें नहीं होती, बस वहीं पर आदमी स्टॉप हो जाता है। तो मेरी तरफ से आप सब लोग जो हैं इनका सीखने में इनका पूरा मदद करिए। हम तो सर जी जो सिखाने में जो होगा जी जान से हम आपको मदद करेंगे, हम आपको सिखाते ही भेजेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात क्या, आप लोग भी सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर हम लोग अगर ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो नहीं खड़े हो सकते। हम किसी को अगर 2 पैसे देने के लिए अगर हकदार बनते हैं तो हम अपने आस पास के जो ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, जो बेरोजगार हैं, या ऐसे फिजिकली चैलेंज हैं कि इन्होंने समझ इतना पढ़ने के बाद इन्होंने सोचा कि सर मैं या तो कुछ काम करूंगा या तो अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगा, लेकिन मैं कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगूंगा। तो समझ लीजिए कि इन्होंने ऐसा सोचते हुए इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है। और एक बात मैं आपको कहता हूँ कि जिंदगी में आदमी हमेशा शरीर से विकलांग नहीं होता, मन से विकलांग होता है। जो आदमी अगर मन से विकलांग है तो वो कुछ नहीं कर सकता, और जो शरीर से निकला है मन से मजबूत है तो आज इनकी दृढ़ निष्ठा इच्छा ही ऐसी चीज है जो यहाँ ला करके आज मेरे पास खड़ा किया है ना। तो ये सीख करके बढ़िया तरीके से काम करेंगे। हम आपको बुलाने का मेरा यही मतलब है कि आप लोग भी इनकी मदद करेंगे, ये मदद करेंगे कि ऐसा नहीं कि किसी को 2 पैसा देने की जरूरत है या कुछ करने की जरूरत है, उसके लिए मैं सक्षम हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ इनके लिए, लेकिन बस इतना जरूर मदद करिएगा कि इनको कोई सामान चाहिए होगा, अगर कहीं उनका रखा हुआ है कोई कॉपी पेन चाहिए, कोई दूर चीज रखी हो तो इनके पास तक मुहैया करा दें, या इनके साथ में जो भी हो सकता है कोऑपरेट करें। तो हम लोग इनको 40-45 दिन के लिए फुल्ली तरीके से कोऑपरेट करेंगे ताकि सीख करके खड़े हो जाएंगे। जब सीख करके खड़े हो जाएंगे तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी और आप लोगों के लिए सबसे बड़े सहयोग की भी बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो आप लोग सब लोग मदद करेंगे और हम इनको सिखाने में मदद करेंगे जितने सारे लोग हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से काम कर सकें। हमारे यहाँ पर सब लोगों का एक ही मिशन होता है कि हम सब लोग मिलकर के सीखते हैं,
तीसरी चीज क्या होता है, हम जिंदगी में एक चीज आपको जरूर सिखाते हैं कि आपको कभी भी किसी से भेदभाव नहीं रखना है, सिर्फ आपस में मिल करके काम सीखना है, क्योंकि जब हम लोग मिल के सीखेंगे तभी अच्छा काम होगा। नहीं तो अगर हम एक दूसरे के साथ में तो लड़ते रहेंगे तो सीखने वाला काम पीछे रह जाएगा, लड़ने वाला काम आगे जाएगा, क्योंकि हम 10 घंटे रहते हैं तो 10 घंटे में से 8 घंटे सीखना पसंद करते हैं, और 8 घंटे हम तभी सीख पाएंगे कि बाकी कामों को छोड़ दें। अगर बाकी कामों में लगाना है तो थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिया, टाइम हमारा मूड फ्रेश हो गया, लेकिन लड़ने में नहीं, लड़ने में नहीं, एक दूसरे को सीखने के लिए करके, ताकि एक दूसरे को बातें शेयर करेंगे और हम लोग सीखने के लिए इकट्ठा हुए। सब लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग जगह से ही इकट्ठा हुए हैं। कहते नहीं जिंदगी में गुलदस्ता तभी बनता है जब उसमें सब अलग अलग तरह के फूल होते हैं, जब अलग अलग तरीके के फूल होते हैं तभी गुलदस्ता बनता है, बनता है कि नहीं बनता है। तो हम सब लोग अलग अलग जगह से हैं, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग महक है, अब उसको बरकरार रखना है और एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट होकर के रहना है। तो इनको सब लोगों को कोऑपरेट करना है, कल से ये क्लास अपना स्टार्ट करेंगे। इन्होंने जो अपने पैसे थोड़े बहुत जुटाए हैं वो अपनी पेंशन से पैसे जुटाए हैं, इनको जो गवर्नमेंट की तरफ से 1,500-200 जो भी इनको राहत मिलती है, तो इन्होंने अपना किसी भी चीज में पैसा नहीं खर्च किया है, सिर्फ अपना पैसा इसलिए इकट्ठा किया है ताकि हम जाएंगे सर के पास जाके काम सीख लेंगे। तो ये बड़ी उम्मीद के साथ में आए थे कि अगर ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, तो जब आपकी ने इनको बताया कि आप सर के पास जाओगे तो सर आपको जरूर मदद करेंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। तो जब इन्होंने पहले तो सोचा ही नहीं था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमारा हेल्प होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब इनके सर ने बताया, इनके सर जो आशीष जी है जो हमारे स्टूडेंट है, जब उन्होंने इनको बताया कि भाई जाओ तुम सर के पास, आपको जरूर मदद होगी, तो मेरी तरफ से यही है कि मैंने इनको बोला था कि जब आप आओगे तो मैं जो भी हो सकता है आपके लिए कर सकता हूँ, आपके लिए जरूर करूंगा, और आप सीख करके अच्छे तरीके से जाओगे, तो आप लोग भी मदद करोगे ताकि ये सीख करके अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक काम करें और आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, ठीक है।